ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। टूटू बटालियन चकराता में एक जवान सूबेदार के पद पर था जो राजस्थान का रहने वाला है और हाल ही में एक महीने की छुट्टी काटकर घर से लौटा था। सूबेदार दून के सैन्य अस्पताल में भर्ती है जहां जवान में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब चकराता उपजिलाधिकारी डॉक्टर अपूर्वा सिंह ये जानकारी जुटाने में लगी है। डॉक्टर अपूर्वा सिंह ने श्रमिक मंत्र संवाददाता को बताया कि संक्रमित फौजी के पर्सनली जितने भी अप्रोच्ड व्यक्ति थे उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है और साथ ही आर्मी से आने वाले व्यक्तियों पर सिविल क्षेत्र में आने पर प्रतिबंध लगाया गया है जिससे कि संक्रमण चकराता के बाजारों तक ना पहुंचे। सैन्य अधिकारी की संक्रमण की पुष्टि होने से चकराता क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है जबकि एहतियातन के तौर पर इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये व्यक्ति 10 मार्च को राजस्थान अपने होम टाउन से उत्तराखंड लौटा था। 24 अप्रैल को कोरोना जैसे लक्षण दिखने के बाद इसे जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसके बाद सैन्य अस्पताल में भर्ती 45 वर्षीय व्यक्ति के सैंपल में कोरोना की पुष्टि हुई है। कम्प्लीटली जो ब्रिगेडियर कमांडेंट है उनसे बात कर लिया, उन्होंने चिन्हित कर लिया उसके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे वो लोग क्वारंटीन में चले गए हैं और फिलहाल के लिए जब तक कि 100% जो कॉन्टैक्ट हैं वो एस्टैब्लिश नहीं हो जाते तब तक के लिए आर्मी को कम्प्लीटली बोल दिया गया है कि उनके कोई भी व्यक्ति ना तो बैंक के काम के लिए या किसी और काम के लिए चकराता मार्केट में नहीं आएंगे। यदि कोई भी किसी को स्पॉट करता है वो तुरंत यहाँ की लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करे जिससे कि ये एक किसी भी प्रकार का ना तो स्प्रेड हो ना कोई स्केयर हो। चकराता से श्रमिक मंत्र के लिए संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट।